नम्स का टेस्ट हो, नस का टेस्ट हो, कोई भी एम कैट ई कैट का टेस्ट, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? SO3H की, सल्फोनिक एसिड। नंबर टू पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है ईस्टर, फिर एसिडालाइट COX, फिर CONH2 अमाइट, फिर मेरे भाई CN साइनाइट, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर सिंपल अल्कोहल। और याद है वो भी जगह जहाँ एस आ जाए तो थायोगल लगता है, थायोअल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर, हैलाइड एंड दिस इज नाइट्रो। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? नाइट्रो। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ या सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये कहलाता है नाइट्रो। तो मेरे भाई ये हो गया आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑर्डर। दोबारा देखते हैं सल्फोनिक सबसे ज्यादा इस जेम में आ जाएगा, चार को इसे दे देंगे या पांच दे देंगे कि इनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करें। अच्छा अगर बेसिक ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा? उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो, ये सबसे ज्यादा बेसिक फिर ये। तो ये देखिए हमारा ईस्टर ग्रुप है, एसिड हैलाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, फिर ये साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइन, डबल बॉन्ड अल्कीन, फिर ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, फिर सिंगल बॉन्ड अल्केन, फिर ओआर यानी ईथर ग्रुप, फिर हैलाइड ग्रुप, फिर नाइट्रो ग्रुप। अच्छा जो IUPAC में प्रायोरिटी ऑर्डर है वो भी इससे बहुत मिलता जुलता है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी दी थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा COOH का होता है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें तकरीबन करती है वही है जो एसिडिक स्ट्रेंथ की है, वही प्रायोरिटी ऑर्डर। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। थैंक्स सो मच।